नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीश और आप देख रहे हैं आईएनए न्यूज़। आज हम निकले हैं गर्मा गर्म दुनिया में, जहां लोग चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान हैं और छांव में आनंद ले रहे हैं। एक तरफ पानी की समस्या तो दूसरी ओर बाहर धूप है, तो उसी मुद्दे पर आज हम लोगों से बात करेंगे। जिस तरह चिलचिलाती गर्मी हो रही है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको, इतनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी का सीजन है तो गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, स्वाभाविक बात है। और फिर उसके बाद में जो चीज़ें हैं कि जो प्रकृति जो चल रही है, तो प्रकृति के अनुसार प्रकृति रहेगी। क्या मतलब, ठंड के टाइम पे ठंड, बारिश के टाइम पे बारिश, बारिश ठंड, गर्मी के टाइम पे गर्मी। लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसको लेकर क्या कहना है आपका? इससे अनुमान लगता है कि ना इस बार बारिश भी अच्छी होगी। जैसी गर्मी पड़ती है ऐसी बारिश भी होना आने वाली है। जैसा कि 2-3-4 दिन पहले बारिश भी हुई थी, उसके कारण क्या गर्मी ज़्यादा हो रही है या फिर कोई और कारण है? नहीं, इससे ये है कि ना बारिश अभी जो हो रही है, इससे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि उमस होती है। इससे बारिश गिरने से उमस होती है, उमस होने से गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, और अभी वैसे बारिश नहीं गिरना चाहिए, बारिश गिरना चाहिए, बारिश के टाइम पे ही बारिश होना चाहिए। जब तक कि रोहिणी वगैरह चालू हो जाए, रोहिणी के बाद में बारिश ही हो, तब अच्छी होती बारिश। सर, जैसे जिस तरह चिलचिलाती गर्मी हो रही है, उसमें आप छाव में आनंद ले रहे हैं गर्मी का, तो क्या कहना है उसको लेकर? ये देवी अहिल्या की नगरी है, ये यहाँ तो हर जगह छाव है, लेकिन गर्मी के पर्याप्त जो व्यवस्थाएं शासन द्वारा दिया जाए वो नहीं दिया जा रहा है। पानी के भी किल्लत नज़र आ रही। हम लोग बाहर से आए हैं अभी। जी, तो सर आप बाहर कहाँ से आए हैं? हम शहडोल से आए हैं और यहाँ काफ़ी किल्लत है पानी की। हम देखते हैं कहीं भी हमको पेयजल की सुविधा दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर उसको लेकर क्या कहना है आपको? जैसे यहाँ पर आप अहिल्या नगरी में हैं, तो यहाँ पर आप छाँव में बैठे हैं, तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था? हम नगर निगम से यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्थाएं दें, जगह जगह पेयजल की सुविधा प्रदान करें, जिससे बाहर से जो भी लोग आएँ तो उनको सुविधा प्रदान हो सके। सर आप छाँव का आनंद ले रहे हैं और बाहर गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? रात में भी ऐसे पसीना आ रहे हैं, दिन का बात तो छोड़ो। और मतलब आपको क्या लगता है कि इस बार ज़्यादा गर्मी है? गर्मी तो ज़्यादा है बेटा, गर्मी बहुत है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर, पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था? कुछ भी नहीं, ऐसा तो अपन कोई है ही नहीं। इसे तो आप अभी गर्मी का आनंद ले रहे हैं यहाँ बैठ के? आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको गर्मी में ऐसे छाँव में बैठकर? छाँव में थोड़ा सा सहारा मिल जाते है ज़्यादा। बार इतनी बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या कारण है गर्मी का? आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग ही मेन रीज़न है गर्मी का, एंड उसकी वजह से इतने ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है। जैसे धूप बाहर है और आप गर्मी में यहाँ शूट कर रहे, तो उसको लेकर क्या है? अब आप घर में तो नहीं बैठ सकते जस्ट बिकॉज कि गर्मी ज़्यादा है, आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई। ओके, तो आप छाँव मतलब गर्मी का आनंद ले रहे हो, शूट का भी आनंद ले रहे? हाँ। आप देख सकते हैं बाहर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? इसमें प्याव की जो व्यवस्था रखी गई है वो बहुत गलत है। अभी नगर निगम मेन चौराहा है, बाकी आप देखिएगा वहाँ पर एक भी प्याव नहीं है, जिससे लोग काफी परेशान रहते हैं। तो ये जो इतनी गर्मी पड़ रही है, उसकी क्या वजह है? पेड़ वगैरह नहीं है ज्यादा, तो गर्मी तापमान तो बढ़ेगा ही सही ना। तो आपका कहना है कि लोगों को बैठने की जगह नहीं है पेड़ों के कारण छाँव में, गवर्नमेंट को हरियाली की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, और पानी की व्यवस्था कैसी क्या है गर्मी, जैसे लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? प्रशासन को कड़े कदम उठाना चाहिए। कहीं ऐसी बस्तियाँ कि जहाँ पानी आज तक के पहुँच ही नहीं पाता, कहीं लोग परेशान हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, एक केन पानी जुगाड़ना आज मुश्किल का मैदान बन गया। गर्मी बढ़ती नजर आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? ऐसा है, गर्मी तो बढ़ेगी तो उससे कैसे क्या है, कोई ठंडी छाँव हो, पानी व्यवस्था हो तो ऐसा रहे तो बहुत अच्छा रहे। गर्मी हाँ। में जैसे पानी की बहुत जरूरत लगती है। हाँ, पानी की जरूरत पड़ती क्या है? पानी की है जगह जगह, अभी तो कठिनाई है, लेकिन हाँ हमारे रानीपुरे में, झूठ नहीं बोले, रानीपुरे में पानी की व्यवस्था दोनों टाइम रोज आ रही है। पहले क्या था कि एक घंटा देते थे एक दिन छोड़ के, अब डेली दे रहे हैं, ये बात सही है। अच्छा, जैसे आप मार्केट में निकलते हैं तो कई जगह धूप रहती है, छांव बन नहीं पाती, तो उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि कहीं जैसे छाए नहीं है, झाड़ नहीं है, तो इसके वजह से वो धूप पड़ती है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? तो व्यवस्था करना चाहिए, शासन को कुछ करना चाहिए। जैसे कहीं देखा कि मद्रास में कहीं सुना है क्या कि वहाँ हरी नेट, हाँ वो नेट डाले तो यात्रियों को और आने जाने वालों को भी अच्छा रहे, उनको भी थोड़ी ठंडी महसूस हो, यूँ थोड़ी गर्मी गर्मी रहती है, ये बात तो है। हाँ, थोड़ी सी प्याव शासन को चाहिए कि थोड़ी प्याव की व्यवस्था करे,
क्या, अब तो और ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो और बढ़ेगी गर्मी, अभी तो अप्रैल खत्म ही नहीं हुआ है, अभी मई बाकी है। पानी को लेकर क्या कहेंगे? पानी की बहुत जरूरत लगती है। हाँ, पानी की बहुत जरूरत है, बताया नहीं मैंने कि अभी पानी तो दे रहा है यहाँ इस एरिया में, बाहर के एरिया की नहीं कह सकते कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जगह जगह प्याऊ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ प्याऊ नहीं है, शासन के द्वारा कोई प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। लोग मार्केट में निकलते, लोगों को पानी की जरूरत लगती है? हाँ, पानी की जरूरत लगती है, तो शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये कि जैसे कोई संस्था रहती है, वो संस्था जरा थोड़ा अपनी तरफ से प्याव खोल लेती है, शासन की तरफ से नहीं है कुछ भी। तो देखा आपने किस तरह लोगों ने कहा कि प्रशासन की तरफ से प्याव की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेड़ दिन पर दिन कटते जा रहे हैं, हिमालय पिघलते जा रहे हैं, इस वजह से दिन पर दिन गर्मी बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए INN News।